देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। उत्तराखंड के चार धाम यात्राओं में से एक केदारनाथ धाम का कपाट खुलने वाला है। दरअसल बाबा केदार का के दर्शन के लिए भक्तों की हुजूम सी लग जाती है ना। महादेव के जो भक्त हैं वो इस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि साल में जो 6 महीने बाबा केदार का कपाट खुला रहता है, उनका दर्शन होता है, पूजा होता है, इस 6 महीने का भगवान शंकर के भक्तों का खासा इंतज़ार रहता है और वो वक्त भी अब आ गया है। दरअसल हर साल अक्षय तृतीया के बाद जो है बाबा केदार का कपाट खुलता है और भक्तों का दर्शन के लिए हुजूम सा लग जाता है। इस साल केदारनाथ का जो कपाट है वो 25 अप्रैल को खुलने वाला है। आखिर क्या सारी विधियां होती हैं, किस विधि में किस दिन कपाट खुलता है और इसके पीछे की जो एक कहानी, एक पारंपरिक हिंदू धर्म की एक पारंपरिक कहानी है, ये क्या कहानी है हम आपको बताते। केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 25 अप्रैल को मेष लग्न में सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। शिवरात्रि पर्व पर पंच गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में धाम के कपाट खोलने की तिथि एवं मुहूर्त घोषित किए गए। इसी के साथ चारों धाम के कपाट खोलने की तिथि भी तय हो चुकी है। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग के अनुसार बाबा केदार की जन्म राशि मिथुन है। इसी के आधार पर पंचांग गणना कर धाम के कपाट खोलने की तिथि व मुहूर्त तय है। इस दौरान यह भी देखा जाता है कि चंद्रमा का वास कहाँ है। शास्त्रों के अनुसार अब चंद्रमा का वास सम्मुख हो तभी कपाट खोलने की गणना की जाती है। शास्त्रों में चार धाम की यात्रा को भक्ति से मोक्ष तक की यात्रा कहा गया है, इसलिए चार धाम यात्रा यमुनोत्री से होकर गंगोत्री व केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम में विराम लेती है। देवी यमुना भक्ति, माँ गंगा ज्ञान, बाबा केदार वैराग्य व भगवान बद्री विशाल मोक्ष के पर्याय हैं। स्कंद पुराण के केदार खंज में कहा गया है कि केदारनाथ धाम के बाद ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी चाहिए, तभी यात्रा को सफल मानी जाती है। शनिवार सुबह 5 बजे बाबा केदार को बाल भोग लगाने के बाद जल, दुग्ध, दही, घी व शहद से उनका महाभिषेक पूजन हुआ। इसके बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी, वेदपाठी, आचार्य व हकुधारियों की मौजूदगी में धाम के कपाट खोलने की तिथि निकाली गई। पंचांग गणना के अनुसार 20 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के रक्षक यानी बाबा भैरवनाथ की पूजा होगी, जबकि बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली 21 अप्रैल को ओंकारेश्वर महादेव से अपने प्रथम पड़ाव यानी गुप्त काशी के लिए रवाना होगी। 22 अप्रैल को डोली यात्रा फाटा और 23 अप्रैल को गौरी कुंड में विश्राम करेगी। 24 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 25 अप्रैल को धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मुख्य कार्यधारी योगेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिलिग्याल, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, पंडित मोहित सती, वीरेंद्र वर्तवाल, पुष्कर जोशी, आशुतोष डिमरी व पंचगाई हकुकधारी मौजूद रहे। दरअसल चार धाम की कपाट खोलने की क्या तिथि है ये हम आपको बताते हैं। पहले यमुनोत्री की जो तिथि है वो 22 अप्रैल को यहाँ की कपाट खुलेगी, फिर गंगोत्री की 22 अप्रैल को ही खुलेगी, केदारनाथ 25 अप्रैल और फिर बद्रीनाथ 27 अप्रैल। वहीं आपको बताते चले, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने समिति के अग्रिम दल 15 मार्च केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। शनिवार को ओंकारेश्वर मंदिर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यह जानकारी दी। कहा कि यात्रा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में मंदिर समिति के कर्मठ व कुशल कर्मियों को सुसंगठित टीम भेजी जाएगी। यह टीम धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर तैयारियों का अंतिम रूप देगी। समिति के मुख्य कार्यधारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि यात्रा व्यवस्था को लेकर शीघ्र ASOP जारी की जाएगी।
तो देखिए बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की, भोले शंकर महादेव के भक्तों की जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने को है। यानी 25 अप्रैल वो दिन है जब बाबा केदार का जो कपाट है वो खोला जाएगा। इसके बाद जो उत्तराखंड का चार धाम यात्रा है यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सारे कपाट खुल जाएंगे और यहाँ लोग दर्शन के लिए जा पाएंगे। 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री का कपाट खुल जाएगा। वहाँ दर्शनार्थी और जो लोग तीर्थ स्थल पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री का कपाट खुल जाएगा। वहीं अगर हम केदारनाथ की बात करें तो 25 अप्रैल वो शुभ मुहूर्त निकाली गई है जिस दिन बाबा केदार की कपाट खुलेगी और महादेव के भक्त जो है वो 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम का जो है दर्शन कर सकेंगे, केदारनाथ जा सकेंगे। और इसके बाद जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का कपाट भी आपको बताया 25 अप्रैल को खुल जाएगा, यानी पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ का कपाट खुलेगा। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।